रिफ़्रेशिंग। तो फिर इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जवेरियाज़ किचन एंड ब्लॉग। तो जनाब आज मैं आपके लिए जो लाई हूँ वो लाई हूँ स्ट्रॉबेरीज शेक। तो उसके लिए जो मैंने ले ली हैं कुछ स्ट्रॉबेरीज, और जिसमें मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब दूध लिया है, और क्रीम ऐड करूँगी और चीनी ऐड करूँगी। तो पहले मैं स्ट्रॉबेरीज ऐड करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और थोड़ा सा जो है मिल्क ऐड करूँगी। आप अगर हो सके तो क्रीम वाला जो है मिल्क ऐड करें, दूध ऐड करें। थोड़ी सी मैं क्रीम भी अभी ऐड करूँगी। तो अब मैं इसको करूँगी थोड़ा सा ग्राइंड, थोड़ा थोड़ा ऐड इसलिए किया है ताकि स्ट्रॉबेरीज जो है फुल ग्राइंड हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने स्ट्रॉबेरीज बिल्कुल शेक हो चुकी हैं और बिल्कुल ग्राइंड हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें सारा दूध ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसी स्टेज पे आकर मैं चीनी भी ऐड करूँगी। आप जितना मीठा चाहें, मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी तकरीबन 8 टेबल स्पून के करीब, और थोड़ी सी जो क्रीम है और भी ऐड करूँगी, मतलब तकरीबन हाफ क्रीम जो है हमें ऐड कर लेनी है। मैंने 1.5 पाव के करीब जो है मिल्क लिया था, तो अब मैं इसको फिर से शेक कर लूँगी ग्राइंडर की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब यहाँ पर शेक हो चुका है हमारा रेडी बिल्कुल, और किसी जग में लेंगे किसी भी जग में आप सर्व कर लें। तो ये आप जल्दी जल्दी से जाएं और बनाएं अपनी इफ्तार को ठंडा ठार बनाएं। यहाँ पर दूध जो है मैंने ठंडा ठंडा लिया था। तो जनाब जो हम क्रीम ऐड करते हैं वो इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो है गाढ़ा हो जाए थोड़ा शेक। अच्छा, इसमें आप जो है मिल्क पाउडर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा, उससे भी बहुत गाढ़ा होता है, लेकिन हमने क्रीम ऐड की है, चीनी, स्ट्रॉबेरीज और मिल्क। तो झटपट जो है स्ट्रॉबेरीज तैयार हो गई। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 चीज़ें जो है इसमें ऐड हुई हैं और हमारा शेक जो है जल्दी बन गया, रेडी हो गया। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। तो मैं आपको गिलास में डालकर और फिर शेक दिखाती हूँ कि कैसा शेक बनाए हमारा। मैंने गिलास ले लिया है और अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी जो है जूस ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अच्छे से ये देखें, ज़बरदस्त हमारा जो है जूस हो गया है रेडी ठंडा ठार। और अगर आप इसमें जो है ऐड करना चाहते हैं, ये मैंने स्ट्रॉबेरी लिए, इसके स्लाइस में निकाल लिया है, इसके बीच में से कट लगाएं आप, और ये जो है किसी को आप डेकोरेट करके दे दें। ज़बरदस्त हमारा जो है स्ट्रॉबेरी शेक। और जो है मैंने थोड़ी सी स्लाइसेस और भी काटी हैं, तो अगर आप इसमें ऐड करना चाहें साइड साइड से तो बहुत ही ज़बरदस्त शेक की टेस्ट आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, शेक घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप ये गैस के सामने भी रेडी कर सकते हैं, और रमज़ान में जल्दी झटपट रेडी हो जाने वाला, बहुत ही एनर्जेटिक रिफ़्रेशिंग। तो फिर इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।